नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है, इसको लेकर के जो है बाजार में जो है रौनक जो है देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फूल मालाएं बिक रही है। आप हमारे पीछे देखें तो जो है ये जो है केले के थम हैं, इसको जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और घर के दरवाजे पर लगाया जाता है ताकि जो है घर में जो है लक्ष्मी का जो है प्रवेश हो सके। इसको जो है ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। फूल माला की भी जो है एक अलग ही अहमियत होती है। आप देख सकते हैं साथ तस्वीरों में जो है फूल मालाएं जो है बिक रही है और कहा जा रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है कुछ जो है दाम में बढ़ती ही दिख रही है और लोग कह रहे हैं कि जो है इस बार दाम पिछली बार की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा। अन्य दिन जो है फूलों के दाम में कुछ कम हुआ करते थे, लेकिन आज जो है त्यौहार है और दीपावली में जो है फूल जो है ज़्यादा है, इसकी डिमांड की जाती है। आइए हम कुछ जो है ग्राहक और दुकानदार से बात करते हैं कि इस बार जो है पिछले बार की अपेक्षा बिक्री कैसी है और दाम किस तरह के रखे हैं। इस पूजा में इसका क्या महत्व है? पूजा में इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्मी पूजा में इसको शुभ माना जाता है। हाँ, इसको दरवाजे पर लगाने पर बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। कितने में बेच रहे हैं ये? 40 का जोड़ा, 50 का जोड़ा, 60 का जोड़ा, जैसा है पीस है वैसा रेट है। यानी दो का 40 रुपये? हाँ हाँ, आप खरीद रहे हैं? हाँ। अच्छा, कितने में मिल रहा है? क्या इसका काम है? कहाँ लगाएंगे आप? गेट के सामने लगाएंगे, आपका दुकान के आगे है ना, उसके सामने लगाएंगे। अच्छा अच्छा, कितने में ले रहे हैं? 50 रुपये जोड़ा दे रहे हैं। 50 रुपये जोड़ा। जो है फूल की जो खरीदारी कैसे करते थे और पूजा में कैसे मिल रहा है? भैया ऑलमोस्ट सेम ही रेट है, थोड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत सस्ता है। भैया हम बेच रहे 20 रुपया पीस, 40। हाँ, 40 रुपये जोड़ा, 50 रुपये जोड़ा हम बेचते जा रहे हैं। आप अब मान लीजिए कि माल शॉर्टेज हो जाएगा तो 50 रुपये जाएगा पीस, 100 रुपये जोड़ा चल जाएगा, डिमांड बढ़ते जाएगा। हाँ, मगर मेन लगता है कि इस बार माल डिमांड नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि माल बहुत ज़्यादा है और बेचे वाला जो है ना पब्लिक कम है। देख रहे इतना माल बचा हुआ है तो कैसे होगा? अगला साल माल शॉर्टेज हो गया, तो इस बार माल शॉर्टेज नहीं हुआ है। इस बार कैसे बेच रहे हैं फूल? 400 रुपये। ऐसे पहले पूजा से पहले कैसे बिकता था? हम पहली बार आए हैं। पहली बार? हाँ। पूजा में पहले फूल कैसे ले जाते थे, अभी कैसे खरीदारी हो रही है बताओ जी? पहले तो सस्ता लेके जाते थे, अभी थोड़ा महंगा खरीदारी हो रही है, बट फिर भी ठीक है, अच्छा है, वैसा कोई बहुत ज़्यादा महंगाई भी नहीं है। कैसे बेच रहे हो? अरे हर साल तो कमाते थे, मगर इन साल टोटल वाले बुरा रहा। हाँ, घर नहीं जी, महंगा क्या है, 1,000 रुपये कुड़ी बेचते थे, आप 200 रुपये 100 रुपये कुड़ी बेच रहे हैं। बोलिए कहाँ से खेत बेचेंगे, घर बेचेंगे? सब लॉकडाउन लगला के बाद बहुत स्थिति खराब है मेरे भाई, बहुत ज्यादा 200 रुपये कुड़ी माल बिक रहा है। सस्ता मिल रहा है, लेकिन पूजा के दिन आज महंगा हो। जी नहीं, 200 रुपये कुड़ी है, 100 रुपये कुड़ी है, 150 तो बेच रहा हूँ चिला चिला के। तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि जो है इस बार जो है पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन जो है बिक्री जो है कुछ कम हुई है, क्योंकि इस बार जो है दुकानदारी देखने को मिला है, कुछ ज़्यादा ही लोग जो है मार्केट में उतरे हैं बेचने के लिए। और जगह हर जगह जो है आपके चौक चौराहा पे जो है आप देख सकते हैं कि फूलों की जो है दुकान सजी है और तरह तरह के जो है फूल मिल रहे हैं। वहीं बात करें कि कमल का फूल हो, केले का थंब हो, गेंदे का फूल हो, सारे फूल जो है आपको दिखेंगे और हर तरह के फूल जो है आप जो है बाज़ार से खरीद के ले जा सकते हैं। इसको जो है बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।